हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बाय शिखा अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स एंड एल्केन्स, एंड इन दिस लेक्चर वी विल प्रिपेयर मोनोहेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। सो प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स में हमारा फर्स्ट मेथड है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। अल्कोहल देखते हैं तो ये अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा और ये रहेगा HX, ये रहेगी जनरल रिएक्शन। यहाँ पे X हमारा क्या है, हैलोजन। इट कैन बी Cl, Br एंड आयोडीन। इन दिस केस तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी प्लस H2O। मतलब हुआ क्या, जो OH ग्रुप था उसको रिप्लेस करके हैलोजन आ गया और H जो था हैलोजन एसिड का उसने बॉन्ड बना लिया OH के साथ और वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। ये आपको मैंने जो रिएक्शन लिखवाई है ये जनरल रिएक्शन है और ये जो अल्कोहल रहेगी ये प्राइमरी अल्कोहल है, बिकॉज जिस कार्बन के साथ हमारे पास अगर ऑक्सीजन लगी है, OH ग्रुप लगा है, अगर वो एक कार्बन के साथ अटैच है तो मोनो अल्कोहल है। अगर आप इसको सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स पे अप्लाई करोगे तो भी आपके पास जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही टाइप के अल्कोहल्स के साथ जब आप लोग HX हैलोजन एसिड को रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास एक मोनो हैलो एल्केन बनते हैं और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। सो इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं। अभी ये आपको मैंने एक जनरल रिएक्शन बताई है जहाँ पे हम तीनों तरह के अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन देख सकते हैं, बट जो सबसे फास्ट प्रोडक्ट होगा वो टर्शियरी अल्कोहल के साथ बनेगा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सेकेंडरी, बिकॉज टर्शियरी अल्कोहल में OH ग्रुप जो है वो जल्दी लीव करेगा और हैलोजन जो है वो जल्दी रिएक्ट कर पाएगा। इसमें आपका जो पहली प्रोसेस आती है अल्कोहल से, दैट इज योर ग्रुव्स प्रोसेस। ग्रुव प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं और इसमें जो अल्कोहल होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड फॉर्म्स द मोनोहेलो अल्केन्स। फॉर एग्जांपल वी हैव इथेनॉल एंड विद दैट वी हैव हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 वी गेट CH3, CH2, Cl, chloroethane plus water molecule. This process is known as a Grove process and the mixture of anhydrous ZnCl2 and HCl gas is known as ल्यूकास एजेंट। तो हम ये भी बोल सकते हैं ल्यूकास एजेंट की प्रेजेंस में जब हमारे पास अल्कोहल रिएक्ट होती है और अल्कोहल जो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट देती है दैट प्रोडक्ट इज योर मोनो हैलो एल्केन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रुव्स प्रोसेस। जहां पे आपके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होगा वहीं पे प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल ये थी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, बिकॉज जिस पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन आगे एक ही कार्बन के साथ अटैच है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, वो कार्बन आगे दो कार्बन के साथ और अटैच होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, तो यहाँ पे अगर आप लोग HCl ऐड करोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस पोजिशन पे आएगा CH3, जहां पे उस पोजीशन पे आएगा OH, जहां पे आपके पास OH था वहां पे आएगा क्लोरीन। तो क्लोरीन उस पोजीशन पे आएगा जहां पे आपके पास OH प्रेजेंट है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस। ये है ग्रुव्स प्रोसेस और आप देख सकते हो अल्कोहल जब रिएक्ट करता है हैलोजन एसिड के साथ तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है मोनो हैलो एल्केन्स की। ये थी हमारी थर्ड प्रिपरेशन। After this, next is preparation
of monohalogens. By the action of phosphorus halides. यहाँ पे हमारे पास PCl3 और PCl5 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ऑफ अल्कोहल्स. ये हमारे पास अगेन है प्राइमरी अल्कोहल और हम लोगों ने रिएक्ट किया PCl5 के साथ, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बना CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl. और अगर हम लेंगे यहाँ पे PCl3 CH3 CH OH CH3, तब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा अगेन CH3 CH, जहाँ पे OH था वहाँ पे Cl आ गया, प्लस H3PO3. तो आप देख सकते हो जब आपने PCl5 लिया था आपके पास POCl3 बनता है, और जब आप PCl3 लेते हो तो आपके पास H3PO3 बनता है. दिस इज द रिएक्शन ऑफ PlCl3 एंड PCl5. दिस इज द रिएक्शन ऑफ PCl3 एंड PCl5 फॉस्फोरस हलाइड्स विद अल्कोहल्स टू गेट मोनो हैलो अल्केन्स. इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट लें जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, यहाँ पे आपकी नेमिंग रिएक्शन आती है पेपर में. एक आपने ग्रुप प्रोसेस की, एक आपने मार्कोनी रूल किया था, एक आपने खराच इफेक्ट किया, एक आपने परोक्साइड इफेक्ट करा, आज आपने ग्रुप प्रोसेस की है, और अब आप करोगे डार्जन्स प्रोसेस. डार्जन प्रोसेस में हमारे पास अगेन प्रेपरेशन होगी मोनो हैलोजेंस, और यहाँ पे हम लोग फिर अल्कोहल यूज करते हैं, बट साथ वाला एजेंट जो है वो अब चेंज हो जाएगा. सो वी विल यूज SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन एंड वी गेट अ प्रोडक्ट CH3CH2Cl प्लस HCl गैस प्लस SO2 गैस. तो हमारे पास हुआ क्या, डार्जन्स प्रोसेस में अल्कोहल के साथ SOCl2 को रिएक्ट कराया, तो हमारे पास मोनोहैलोअल्केन बना. इसको हम बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस. अगर हम अल्कोहल के साथ HCl रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एडेन Cl2, तो वो बन जाती है ग्रुप्स प्रोसेस. और अगर आप PCl3 और PCl5 रिएक्ट करते हो तो आपके पास फिर अगेन प्रोडक्ट सेम रहता है, बट साइड प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं. तो ये थी कुछ रिएक्शंस जो आपने की है प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल एज अ मेन रिएक्टेंट. इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी प्रेपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स बाय हलाइड एक्सचेंज मेथड. ये जो नेमिंग रिएक्शन है ये आपको डायरेक्ट पेपर में आती हैं. आपको रिएक्टेंट्स दिए होते हैं, आपको प्रोडक्ट लिखना होता है, या फिर आपको वन ऑफ द रिएक्टेंट दिया होता है और वन ऑफ द रिएक्टेंट गेस करना होता है कि किसके प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा. अब है प्रेपरेशन बाय हलाइड एक्सचेंज मेथड, ये आप कर चुके हो स्वाट प्रोसेस. इसके अलावा हलाइड एक्सचेंज मेथड में हमारी एक और रिएक्शन आती है, दैट इज फिंकेलस्टन रिएक्शन. इसमें और उसमें सिर्फ इतना फर्क है जो साइड एजेंट रहता है वो चेंज हो जाता है. CH3CH2Cl प्लस सोडियम आयोडाइड, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Iodine प्लस NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट. हीट और एसीटोन की प्रेजेंस में होता क्या है, जो आपके पास हैलोजेंस है वो अपना जो हैलोजन है वो एक्सचेंज करते हैं विद सोडियम आयोडाइड, और आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है. इसकी जगह पे आप लोग ब्रोमीन भी यूज कर सकते हो, तब भी आपके पास यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा. तो जनरली हम ये बोल सकते हैं जब भी हमें आयोडोनेशन करनी है तो हम फिंकेलस्टन रिएक्शन यूज करते हैं, बिकॉज स्वाच प्रोसेस में आपने पढ़ा था स्पेशली उसको हम यूज करते हैं फॉर फ्लोरीन, फ्लोरिनेशन के लिए. तो ये भी जो है फिंकेलस्टन रिएक्शन, ये भी टाइप ऑफ हैलोजन एक्सचेंज मेथड है.
एक आपने पढ़ी थी श्वास प्रोसेस, जो आपने फर्स्ट लेक्चर में की थी, जिसका लिंक ऊपर आई आइकन पर आ रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें हम लोग देखेंगे अल्कोहल्स के बजाय हम एसिड लेंगे। सो ये थी प्रेपरेशंस अल्कोहल्स की। उसके बाद मैंने आपको करवाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे आज फ्रॉम फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स में जो रिएक्शन हम करते हैं उस रिएक्शन का नाम है अगेन नेमिंग रिएक्शन, हंट्स डिकर रिएक्शन, अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें हम लोग लेते हैं फैटी एसिड्स ऑफ सिल्वर, ब्रोमिनेशन करते हैं उसकी, और हमारे पास CCl4 की प्रेजेंस में जब हम रिफ्लक्स करते हैं कंपाउंड को तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ब्रोमोइथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। सो हंट्स-डिकर रिएक्शन में हम लोग जनरली बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। तो आयोडिनेशन के लिए आप लोग फिंकिस्टर रिएक्शन याद रखना, फ्लोरिनेशन के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन, ब्रोमिनेशन के लिए स्पेशली हंट्स-डिकर रिएक्शन। सो विद दिस लास्ट रिएक्शन वी आर डन विद द प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, मोनो हेलोएल्केन्स। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक, बट उससे पहले एक मैं समअप करना चाहती हूँ जो आपने प्रेपरेशंस की हैं दो लेक्चर्स में, एक लास्ट लेक्चर में और एक आज के लेक्चर में, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग कैसे प्रेपरेशन कर सकते हैं। उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, एक आपने पढ़ा है हंट्स-डिकर रिएक्शन, एक आपने किया डार्जेंस प्रोसेस और डार्जेंस रिएक्शन, एक आपने किया स्वार्ट्स रिएक्शन, देन फिंकिंस्टन्स रिएक्शन, ग्रूव्स प्रोसेस, क्रैश इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, और हमने पढ़ा मार्कोनिफ्स रूल, ये कुछ ऐसी रिएक्शन हैं, नेमिंग रिएक्शन है जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होती हैं, और इनके आपको रिएजेंट्स याद रखने हैं, कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जहाँ पे हम अल्कोहल्स यूज़ करते हैं, कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जहाँ पे हमने सोडियम आयोडाइड यूज़ करना है, कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करनी है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आप प्रिपरेशन के लिए यूज़ करोगे। तो पेपर में आपको जो ये रिएक्शन है किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं, आपको रिएक्टेंट्स दिए होते हैं और आपको प्रोडक्ट पूछा होता है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई भी अल्कोहल दे देंगे और आपको साथ में डाल देंगे प्रोडक्ट SOCl2 और बोल देंगे कंप्लीट द रिएक्शन, तब आपको याद रखना है ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है जहाँ पे अल्कोहल के साथ SOCl2 हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट दे देते हैं और आपको ऐसे बोल देते हैं PCl5 रिएक्टेंट दे रहे हैं और पूछ रहे हैं प्रोडक्ट क्या है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी रिएक्शन है, और आपको पूछ सकते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कौन सी रिएक्शन में यूज होता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, एक ल्यूकास रिएजेंट का पार्ट है और ये यूज होता है ग्रूव्स प्रोसेस में। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रिपरेशन ऑफ मोनो हैलोल्केन्स के लिए रिक्वायर्ड है, और इनमें से हर एयर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो नेमिंग रिएक्शन स्पेशली इनको अच्छे से याद रखिएगा। बाय दिस आई फिनिश विद माई दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन learn this and do share this video with your friends and see you in the next lecture. Till then keep learning. Bye bye.